हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पपाया या पपीता का स्पाइसी चटनी का रेसिपी दिखाने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलो देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने एक पैन पर 2 कप पानी डाला है। तो पपीता को मैंने बहुत फाइनली चॉप्ड कर लिया है, जितना पतला हो सके उतना पतला ही कट कीजिएगा। तो पहले मैं रॉ पपीता को उबालूंगी अच्छी तरह से, जब तक कि पपीता थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। करीबन मैंने 8 से 10 मिनट तक उबाला है, तो आप देख सकते हो पपीता जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं ये अच्छे से छान लूंगी। तो दूसरी तरफ मैंने एक पैन पर 1 कप पानी लिया है और उसको थोड़ा उबालने दूंगी। तो नेक्स्ट मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, जितना मीठा आपको पसंद है उतना ही आप डालिए, ये आप अपने स्वाद के अनुसार कीजिएगा। तो पानी जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है, तो नेक्स्ट मैं इसमें उबाला हुआ जो पपीता था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और अच्छे से एक बार मिक्स कर लूंगी। तो नेक्स्ट मैं इसमें रेजिन्स डाल रही हूँ, कैस्यू भी डालूंगी। तो नेक्स्ट मैंने किया क्या है कि रेड चिली जो है उनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए और एक कैंची के मदद से जितना फाइन हो सके उतना फाइन मैंने कट किया है। अब देख सकते हो इनमें लुक्स बहुत ज़्यादा सुंदर आता है और स्पाइसीनेस भी आता है, और तीखा आप अपने हिसाब से ही देना। तो नेक्स्ट मैं सब कुछ अच्छी तरह से एक बार मिला लूंगी। तो नेक्स्ट मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ और कुछ देर ऐसे ही पकने दूंगी, करीबन 7 से 8 मिनट तक। तो नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद पपीता का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और लुक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा, आप देख सकते हो। तो ये जो पपीता का स्पाइसी चटनी है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।